गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका अपनी क्लास में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था योगा और हेल्थ। ठीक है, योगा और हेल्थ दोनों साथ साथ चलते हैं। योगा कुछ बच्चे समझते हैं बहुत मुश्किल है, पर ये योगा बहुत आसान है। मुश्किल सोच के बच्चे करते नहीं हैं और वो क्या कहते हैं, फिर पीछे रह जाते हैं, उनकी हाइट भी छोटी रह जाती है और उनकी जो है शरीर भी जो है सही ढंग से जो है ना वृद्धि और विकास उसका सही तरह से नहीं होता। योगा बिल्कुल आसान है, उसकी टेक्निक ठीक होनी चाहिए। योगा हम सब से होगा, योगा बिल्कुल आसान है। आप उसकी टेक्निक सीख के उसको अच्छी तरह से करो और किया करो। इसको करने से जो है बहुत फायदे होते हैं। आप करोगे तो आपको इसके फायदे नजर आएंगे। हमने कल किया था ताड़ासन, आज हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन करने के बहुत लाभ हैं। वृक्षासन कोई भी आसन करना है ना, हमने उसकी टेक्निक सबसे पहले सीखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको टेक्निक सिखाता हूं। ये देखो, ये बिल्कुल फोटो है, एक बच्चा जो वृक्षासन कर रहा है। वृक्ष वृक्ष जैसे फैलता है ऊपर की ओर आगे होता है, वैसे ही वृक्षासन है। एक दोनों पैरों पे पहले हम खड़े होंगे, ठीक है, और दूसरे पैर को हमने कहां रखना है, यहां यहां नहीं रखना, यहां नहीं रखना, थाई पे रखना है। जितनी ऊपर हो सकेगा ना उतनी ऊपर लेके जाना है। यही टेक्निक है, इससे क्या होगा, बैलेंस बढ़ेगा, बैलेंस आपका बनेगा। आप यहां पे पैर रख लोगे, यहां पे पिंडली के पास पैर रख लोगे तो आपका बैलेंस नहीं बनेगा और आप हिलते रहोगे। तो सबसे पहले हमारा पैर का बैलेंस है वो जरूरी होना चाहिए। करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल पोजिशन में हाथ सीधे करेंगे और हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, और बिल्कुल स्थिरता पूर्वक खड़े रहना है। पैर की पोजीशन ये होनी चाहिए, ये देखो बड़ा आपको जो है ना ये बता रहा हूं, ये पैर जितनी ऊपर हो सके, जांग की हड्डी के पास थाई मसल्स होती हैं, इनके पास लेके जाने हैं, ठीक है, और फिर आपने हाथ ऊपर लेके जाने हैं। सांस को फेफड़ों में भरकर होल्ड करना है। जब सांस को रोकना है, जब तक हाथ ऊपर रहेंगे सांस फेफड़ों में होल्ड करके रखेंगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये देखो छाती फूल जाएगी। फिर जब हम होल्ड करके रखेंगे थोड़ी देर तक और एक स्थिर मुद्रा में रहेंगे, हिलेंगे नहीं। जो योग में क्या होता है, जो बच्चा जितना हिलता है उसके उतने मार्क्स कम हो जाते हैं। तो योग और स्थिरता, अस्थिर रहना है, हिलना नहीं है। हवा को ऑक्सीजन को फेफड़ों में भरना है, फिर उसको होल्ड करके रखना है। जब हमें लगता है कि हम ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते, फिर दोनों हाथों को धीरे 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 नीचे लेके आना है। ऐसा आपने 3 या 4 बार कर सकते हो। इस आसन के बहुत लाभ हैं। इससे सबसे पहले तो फेफड़े मजबूत होते हैं। कोरोना क्या करता है, कोरोना सबसे पहले अटैक करता है फेफड़ों के ऊपर, ठीक है, और जिसके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं कोरोना उसको नुकसान पहुंचाता है, और जिसके फेफड़े मजबूत होते हैं उससे डर के भाग जाता है। तो आप क्या करोगे, अपने फेफड़ों को मजबूत करोगे तो आपके ऊपर कोई कोरोना वरोना कुछ असर नहीं करेगा। आप फिट रहोगे, खुश रहोगे और सारा दिन चुस्ती फुर्ती के साथ रहोगे। अब आपको मैंने बता दिया, मैं सिंपल शब्दों में बताया, अब मैं आपको इसकी विधि डिटेल से बताता हूं। आरंभ में ताड़ासन की मुद्रा में खड़े होंगे, एक पैर को घुटने से मोड़कर उसकी एडी को दूसरे पैर की जांग के ऊपर रख लेंगे। जांग के ऊपर रखना, देखो ये भी यही कह रहे हैं, नीचे नहीं रखना, जितनी ऊपर कर सकेंगे उतनी ऊपर रखना है। इस पैर का संतुलन बनाकर अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर हथेलियों को मिलाएं। गहरे सांस लेते हुए कुछ क्षण तक संतुलन बनाएं, मतलब होल्ड करके रखें। यह क्रिया दूसरे पैर पर भी दोहराएं। 1 से 3 बार इस क्रिया को करें और आप देखो इससे बहुत लाभ होगा। इससे क्या होता है, आपकी एकाग्र शक्ति भी बढ़ती है, स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। जो क्वेश्चन आपको याद नहीं होता 10-10 बार पढ़ने से भी, वो फिर आप ये रेगुलर आसन करते हो फिर वो आपको क्वेश्चन भी जल्दी याद हो जाता है। मानसिक तनाव कम होता है, हमारे जो है मन और शरीर का बैलेंस बना रहता है, या मोटापे को दूर करते हैं। इस आसन को करने से हाइट भी बढ़ती है। इससे क्या होता है, मांसपेशियों, जो टांगों की मांसपेशियां होती हैं वो भी मजबूत होती हैं। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं, आप इसको करो और इसका फायदा उठाओ।
ठीक है, खुश रहना है, खुश रहकर सारे काम करने हैं। ठीक है बच्चों, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।